बोला, चीका के अंदर वाल्मीकि चौपाल के अंदर बने मंदिर की दीवार को गिराकर रास्ता बनाने का प्रयास किया गया है। वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने जाट समुदाय के लोगों पर मंदिर की दीवार गिराने के आरोप लगाए। थाना गुहला में दी कंप्लेंट। इस मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने कहा कि नगर पालिका से संपर्क करके ये पता लगाएंगे कि यह जगह रास्ते की है या चौपाल की, उसके बाद ही बनती कार्रवाई की जाएगी। आजाद टीवी न्यूज के लिए गुहला चीका से राजपाल जिंदल की रिपोर्ट। सभी श्रोताओं से, सभी दर्शकों से गुजारिश है कि प्लीज 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 आजाद टीवी न्यूज जरूर देखें, आपको सच्ची खबरें मिलेगी। धन्यवाद जी। वाल्मीकि स्थान का मामला है जी, यहाँ पे वाल्मीकि स्थान था, ठीक है जी। वाल्मीकि स्थान था जी, तो ये जाट जी ट्रैक्टर के साथ घेरने आए थे जी, तो घेर भी दिया जी इन्होंने। इसकी शिकायत नहीं की किसी को? की है जी, अभी दरखास्त लिख रखी है तो देंगे। क्या जमीन किसकी है ये? जमीन तो जी नगर पालिका की। अच्छा, हाँ जी। तो नगर पालिका ने आपको दे रखी थी? हाँ जी दे रखी। जिम्मेदार मारा कुछ भी नहीं करने दें। जमीन आपको किसने दी हुई है? जमीन लाडी एमसी ने दी हुई है जी। जमीन नगर पालिका का नाम है जी, इसमें लाडी एमसी ने हमारा मंदिर बनवाया है। उनका यहाँ पर कुछ नहीं है? नहीं जी, उनका कुछ नहीं है। अब कौन यहाँ पर विरोध करता है, कौन तंग करता है आपको? ये लाली और लाली का लड़के पर है जी, विक्रम भी, और लड़के का मेरे को पता नहीं है। मानक भी आके सबने तंग करा है। एक मामला सामने आया है, धर्मशाला की जमीन को किसी ने ट्रैक्टर से बांध दिया है। ये आपके सामने है, ये रास्ता बता रहे हैं, वो भी अपना कब्जा भी देख मेरे सामने नहीं है। एक बार क्या है, सोमवार को इनकी नगर पालिका से संपर्क करके और जैसी कार्रवाई कर दी। तो सर जैसे ये बता रहे हैं कि हमारा मंदिर भी गिराया गया है, कोई इनका मंदिर भी यहाँ पे था? नहीं, अभी नहीं गिराया, आपके सामने है, ये बीच के फोटो ले लो, गिराया नहीं अभी। अच्छा सर, उक्त लोगों का कहना है कि ये मारने के लिए आते हैं दूसरे लोग, इनको मारने के लिए आते हैं। आएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, सुरक्षा करना हमारा काम है।